हेलो एंड वेलकम, मैं हूं आपके साथ पूजा और आप देख रहे हैं E24 की स्पेशल सीरीज दरार, जिसमें हम आपको दिखाते हैं बॉलीवुड सितारों की चर्चित दुश्मनी के किस्से। और आज जिन दो सितारों की दुश्मनी की बात हम करने वाले हैं, उनमें से एक को कहा जाता है बॉलीवुड का सुल्तान और दूसरे हैं खिलाड़ियों के खिलाड़ी। नाम तो आप समझ ही गए होंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुल्तान सलमान खान और खिलाड़ी अक्षय कुमार की। वंस अपॉन अ टाइम गुड फ्रेंड्स रहे सलमान खान और अक्षय कुमार के बीच बीते 4 सालों से कोल्ड वॉर जारी है। तो कब, क्यों और कैसे बिगड़ा था सलमान खान और अक्षय कुमार की दोस्ती का रिश्ता और किसने डाला था दुश्मनी की इस आग में घी, देखिए हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में। सलमान खान को बॉलीवुड का सुल्तान और टिकट विंडो का दमन कहा जाता है। कहते हैं कि सलमान की फिल्म में दम हो या ना हो, लेकिन उनकी फिल्में टिकट विंडो पर हमेशा रिकॉर्ड तोड़ मुनाफा कमाती हैं। सलमान की फिल्में हिट की गारंटी कही जाती हैं। लेकिन सलमान खान के इस सुपर स्टारडम के लिए सबसे बड़ा खतरा बने हुए हैं अक्षय कुमार, जिनसे मिल रही है सुल्तान सलमान की स्टारडम को कड़ी टक्कर। और यही टक्कर है सलमान खान वर्सेस अक्षय कुमार के झगड़े की जड़। यूं तो सलमान खान और अक्षय कुमार बरसों से एक दूसरे के अच्छे दोस्त रहे हैं। एक दौर ऐसा था जब सलमान की फिल्मों में अक्षय सेकंड लीड रोल में दिखते थे। दोनों एक दूसरे की फिल्मों में खुशी खुशी कैमियो रोल करने के लिए राजी हो जाया करते थे। करण जौहर के शो कॉफी विद करण में सलमान ने अक्षय की तारीफों के पुल बांध दिए थे, लेकिन 2017 ने पूरी पिक्चर बदल दी। दरअसल अक्टूबर 2017 में अक्षय कुमार के लीड रोल वाली फिल्म केसरी का ऐलान हुआ था। इस फिल्म को सलमान खान प्रोड्यूसर करण जौहर के साथ मिलकर को प्रोड्यूस कर रहे थे, लेकिन बाद में सलमान खान ने इस फिल्म से अपने हाथ पीछे खींच लिए। इन वक्त पर फिल्म से हाथ पीछे खींच लेने का सलमान का यह फैसला अक्षय कुमार को चुभ गया। वहीं आग में घी डालने का काम सलमान खान की एक्स मैनेजर रेशमा शेट्टी ने किया। केसरी कांड के बाद सलमान खान और अक्षय कुमार की दोस्ती में आई हल्की सी दरार को खाई बनाने में रेशमा शेट्टी ने अहम रोल प्ले किया। साल 2019 में ना तो शाहरुख खान की कोई फिल्म का ऐलान हुआ था और ना ही आमिर खान की। ऐसे में साल 2019 में नंबर 1 की कुर्सी के लिए अक्षय कुमार और सलमान खान के बीच मुकाबला देखने को मिला। कहीं ना कहीं रेशमा शेट्टी की बदौलत अक्षय कुमार सलमान खान पर भारी पड़े और कोल्ड वॉर ने बॉक्स ऑफिस क्लैश का रूप ले लिया। कहा जाता है कि जब सलमान खान अपने करियर के सबसे बुरे दौर से गुजर रहे थे, उस दौर में उन्हें ब्रांड सलमान बनाने में रेशमा शेट्टी ने बड़ा रोल प्ले किया था। रेशमा शेट्टी की कंपनी मैट्रिक्स से जुड़ने के बाद ही सलमान के हिस्से में कई बड़ी फिल्में, रियलिटी शोज आए थे। रेशमा और सलमान का ये साथ लगभग 9 साल तक रहा, लेकिन धीरे धीरे सलमान को ये लगने लगा कि रेशमा उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अपने तरीके से चलाने की कोशिश कर रही हैं। केसरी से पीछे हटने के बाद साल 2017 में ही सलमान ने अपनी मैनेजर रेशमा और उनकी कंपनी मैट्रिक्स के साथ अपना करार खत्म कर दिया। यहां रेशमा सलमान से अलग हुई और वहां अक्षय कुमार ने रेशमा शेट्टी को हायर कर लिया। रेशमा की बदौलत सलमान खान और अक्षय कुमार के बीच नंबर 1 की जंग छिड़ गई। रेशमा शेट्टी ने ऐसा तिकड़म चलाया कि दुश्मनी की जो आग धीमी धीमी सुलग रही थी, उससे शोले भड़कने लगे और बॉलीवुड का मौसम भी गर्माने लगा। अक्षय के साथ जुड़ते ही रेशमा ने कई बड़े प्रोजेक्ट्स और ब्रांड एंडोर्समेंट उनके झोली में डालने शुरू कर दिए। इसके बाद वो हुआ जिसकी उम्मीद कम से कम सलमान ने तो बिल्कुल नहीं की थी। साल 2019 में सलमान खान और अक्षय कुमार के बीच नंबर 1 का सीधा मुकाबला देखने को मिला। उस साल सलमान की 2 फिल्में भारत और दबंग 3 रिलीज हुई। तो सलमान के स्टारडम को हराने के लिए अक्षय कुमार 4 फिल्मों की सेना लेकर मैदान में उतरे थे। मई अक्टूबर में रिलीज हुई हाउसफुल 4 ने तो कमाई के रिकॉर्ड ही बना डाले। सलमान के मुकाबले अक्षय का पलड़ा भारी होने लगा
तो सोशल मीडिया पर दोनों स्टार्स के फैन भी भिड़ते नजर आने लगे। हाउसफुल 4 के रिकॉर्ड तोड़ कलेक्शन के बाद सलमान की फैन आर्मी ने सोशल मीडिया पर #Houseful4 फेक कलेक्शंस भी ट्रेंड करवा दिया। सलमान के फैंस ने आरोप लगाया कि हाउसफुल के कलेक्शन को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। लेकिन ये जंग यही नहीं रुकी। अभी तो दिसंबर आना बाकी था। सलमान खान की दबंग 3 और अक्षय कुमार की गुड न्यूज दांव पर लगी थी। साल 2019 में 20 दिसंबर को सलमान खान दबंग 3 लाए तो अगले हफ्ते ही अक्षय कुमार अपनी फिल्म गुड न्यूज लेकर आ गए। यहाँ भी अक्षय की फिल्म गुड न्यूज बाजी मार ले गई। दबंग 3 की कमाई पर गुड न्यूज की कमाई भारी पड़ी और इसके साथ ही ये साफ हो गया कि 2019 के किंग अक्षय कुमार ही हैं। 2019 की बाजी अक्षय कुमार के हाथों हारने के बाद सलमान खान की नजरें 2020 पर टिकी थी, लेकिन यहां भी पंगा पड़ते देर नहीं लगी। सलमान खान के इंशाअल्लाह और अक्षय कुमार के सूर्यवंशी के बीच बॉक्स ऑफिस क्लैश का सीन बन गया। अब जाहिर सी बात है कि इन सुपरस्टार्स के बीच महासंग्राम तो छिड़ना ही था। बॉक्स ऑफिस क्लैश स्टार्स के बीच ईगो क्लैश भी लेकर आता है। कुछ ऐसा ही अक्षय कुमार और सलमान खान के बीच भी हुआ। हर साल सलमान खान ईद पर अपनी फिल्म रिलीज करते हैं, लेकिन अक्षय ने बाजी मारते हुए अपनी फिल्म सूर्यवंशी के लिए ईद 2020 की बुकिंग कर ली। ईद की तारीख पर अक्षय का कब्जा सलमान बर्दाश्त नहीं कर पाए। ईद पर सलमान अपनी फिल्म इंशाअल्लाह रिलीज करना चाहते थे, वो भी सोलो रिलीज। सलमान नहीं चाहते थे कि इंशाअल्लाह के सामने सूर्यवंशी जैसी दूसरी फिल्म रिलीज हो। और फिर सलमान ने अपनाई साम दाम दंड भेद की कूटनीति। सूर्यवंशी वर्सेस इंशाअल्लाह के क्लैश को टालने के लिए सलमान ने फिल्म के डायरेक्टर रोहित शेट्टी को फोन घुमाया, जिसे रोहित टाल नहीं सके। हद तो ये हुई कि रोहित शेट्टी ने सलमान के हाथों ही सूर्यवंशी की नई रिलीज डेट का ऐलान भी करवा दिया। रोहित का यह धोखा अक्षय बर्दाश्त नहीं कर पाए। खबरें आईं कि सूर्यवंशी की रिलीज डेट को प्रीपोन करने के रोहित के इस फैसले से अक्षय सख्त खफा है। सलमान की कूटनीति रंग तो ले आई, लेकिन मुनाफे में तब्दील नहीं हो पाई, क्योंकि इंशाल्लाह पूरी होने से पहले ही डिब्बा बंद हो गई। यहां संजय लीला भंसाली ने इंशाल्लाह के डिब्बा बंद होने का ऐलान किया, वहीं खिलाड़ी अक्षय कुमार ने मौके पर चौका मार दिया। ईद 2020 पर अपनी फिल्म लक्ष्मी बॉम्ब को रिलीज करने का ऐलान कर दिया। अक्षय के इस नहले पर दहला मारने से सलमान खान भी नहीं चूके। लक्ष्मी बॉम्ब के सामने सलमान ने अपनी फिल्म राधे को रिलीज करने का ऐलान कर डाला। हर किसी की निगाह 2020 की ईद पर टिकी थी, लेकिन अभी पिक्चर में ट्विस्ट लेकर आया कोरोना वायरस। चीन से फैले कोरोना वायरस ने दुनिया भर में हाहाकार मचा दिया। भारत में भी इसका असर दिखा। कोरोना वायरस की वजह से बॉलीवुड का चक्का जाम हो गया। फिल्म की रिलीज से लेकर शूटिंग तक पर रोक लग गई। और जाहिर सी बात है, लक्ष्मी बॉम्ब और राधे का महासंग्राम भी टल गया। भले ही ये संग्राम टल गया, लेकिन इंडस्ट्री इनसाइडर्स की माने तो आज भी सलमान खान और अक्षय कुमार के बीच कोल्ड वॉर जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, E24।